जय 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 जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज जिस श्लोक की चर्चा करने वाले हैं वो श्लोक है चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वां श्लोक। आप लोग सब लोग अपने अपने फोन में 4834 निकाल लीजिए। आज हम त्रिताप से मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं, किस तरह सरलता से हम तीनों तापों से मुक्त हो सकते हैं। यह श्लोक श्री नारद मुनि द्वारा ध्रुव महाराज को दिया गया है। गुणादिकान् मुदं लिप्से अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रीं समानाद्वन्विच्छेन नातापैरभिभूयते गुणादिकान् मुदं लिप्से अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रीं समानाद्वन्विच्छेन नातापैरभिभूयते। आप लोग देखिए फोन में, सबके पास फोन है, सब में फेसबुक होगा, ये होगा तो मेटावर्स भी होगा ना। देखिए कब सब लोग एक साथ बोलने चाहिए। गुणादिकान् मुदं लिप्से अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रीं समानाद्वन्विच्छेन नातापैरभिभूयते। तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ और मैं हिंदी में समझा दूंगा। तो नारद जी ध्रुव महाराज से कहते हैं कि हर व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards them. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by threefold miseries of this material world. So, Narad ji Dhruv Maharaj ko samjhate hain ki jab hum humse adhik gunvan wala vyakti mile to uske sath kaisa vyavhar karna chahiye? हमें प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। जब हमसे कम गुणवान
वाला व्यक्ति मिले तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसकी तरफ दया होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। और जब हमारे सम वाला व्यक्ति को मिल जाए उसके साथ कैसा होना चाहिए व्यवहार, मित्रतापूर्वक होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं ध्रुव महाराज से कि तीन का अगर हमारे जीवन में अगर हम लोग इस ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएगा, हम लोग इस संसार में त्रिताप है ना, इससे मुक्त हो जाएंगे। कितना सिंपल है, बस व्यवहार कैसा करना है। तो आज हम प्रयास करेंगे भागवत धर्म की चर्चा करने का। तो इसका और भागवत धर्म तत्व को समझने का बहुत बड़ा आपका लक्षण है। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जन्मादियस्य तन्मयादितरतश्चार्तेष्व अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया तेजो वारिव्रतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदय वृद्धत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तकशना निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ओम ज्ञानदिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचा तं पङ्गुं न वैते गिरिं यत्कृपान्तमहं वन्दे श्रीगुरुं हीनतारविणं परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणिप्रचारिणे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवमवधूताशिरोमणिं आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपास्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजकल ऑनलाइन के युग में साक्षात बैठकर क्लास देने को मिल रहा है, बड़ा सौभाग्य हम लोग का, बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया है कि साक्षात ऑडियंस मिलना और उनका उनके बीच में भक्तों के संगति में बैठकर क्लास करने को मिलना, ये हम लोग के ऊपर बड़ा उपकार है। क्योंकि जब हम जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तब सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, माइक चालू वीडियो चालू है नहीं चालू है, ऐसा बहुत बार तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही क्लास दे रहे हैं। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन रस के लिए दो लोग तो चाहिए, एक आप होते हैं दूसरा कंप्यूटर होता है। यहाँ पर भक्तों का समाज मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने आकर अपने आने का अवसर दिया और कृष्ण का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी इस पर्पट की शुरुआत में लिखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं जन्म में, जब हम लोगों जब हमें हमसे अधिक गुणवान वाले व्यक्तियों का संयोग प्राप्त होता है
तो हमारी स्थिति क्या होती है, हम स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या करने लगते हैं, स्वाभाविक है। और जब हमसे कम गुणवान वाला व्यक्ति मिलता है तो हमें एक प्रकार का भय सताने लगता है, और भय के कारण कि भाई ये हमसे ऊपर न चला जाए, इस कारण से हम क्या करते हैं कि हम उसे दबा देते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं कि ऊपर ना आ जाएंगे। अरे तो इतना अच्छा, इतना इसके अंदर तो बहुत अच्छे गुण हैं, कि नया है, दबा दो तो मेरा फ्यूचर खतरे में है। तो फिर जब हमारे समग्र होने वाले व्यक्ति हम लोग मिलते हैं तब हम सोचते हैं इसके अंदर क्या गुण है, तो हम अपनी अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इसी से ये इसी से हम लोग संसार बंधन में फंस जाते हैं। तो नारद जी हम सबको क्या करते हैं, एक सुंदर सा उपदेश दिया नारद जी ने, और विशेष करके भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। नारद जी कहते हैं कि हम लोग कौन है, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और भगवान कौन है, सूर्यम सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के मित्र है। हम लोग कौन है, भगवान के दास है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके बातों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि हम लोगों को भगवान जैसे ही होना चाहिए, सूर्यम सर्वभूतानां सर, क्योंकि हम लोग भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भी हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे सूर्यदम सर्वभूतानां, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा ऐसा कौन चाहता है, ऐसा साक्षात भगवान चाहते हैं कि हम लोग, हम वैष्णव जन कम से कम समस्त सबसे ऐसा व्यवहार करें, कैसे, सबका मित्र बनकर। और तो जब हमारे हमारे सामने कोई अधिक गुणवान वाला व्यक्ति मिल जाए तो हम ये जानना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो भगवान से, भगवान की कृपा से है, अन्यथा किस, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको बुद्धि कौन देता है, तदापि बुद्धि योगम तम, बुद्धि तो भगवान देता है। और अगर इसके अंदर कोई योग्यता है वो किसकी वजह से है, भगवान की वजह से है। अगर हम लोग किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ईर्ष्या करते हैं। और इसलिए जब ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए, हमारे हमसे उनके ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, तो हमें उनका आनंद के साथ उनका स्वागत करना चाहिए, उनके संगति में रहना चाहिए, कुछ सीखना मिले सीख लेना चाहिए। और यदि हम लोग, यदि हमें ऐसे ऐसे लोग ऐसे लोग हमारे संपर्क में आ जाए जो हमसे कम गुणवान वाले हैं, तो अधिकतर हमारा प्रयास ही होता है कि उसको दबाओ, ये कम करो, ये करो, वो करो, सप्रेस करो, कंप्रेस करो, डिप्रेस करो, उसका मॉरल डाउन कर दो, कहानी खत्म। तो उनके प्रति हमें, हमारे हृदय में दया होनी चाहिए, और हमें उनको हमारे स्टैंडर्ड पर, वी शुड ट्राई टू रेज देम टू आवर स्टैंडर्ड, मतलब उनको हमारे बराबर लाने का, जो जितना हमारा शक्ति है, सामर्थ्य है, हम किसी को हमसे छोटा है उसको हमसे बड़ा तो नहीं बना सकते, लेकिन हमारे अंदर जो गुण है तो उसके अनुसार उसको पिचिंग कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। किसी को सहायता चाहिए लेकिन हमारे अंदर हो सकता है कि हमसे जो बड़े हैं उनके जैसी सहायता हम ना कर सके, लेकिन जितने अपना सामर्थ्य है, जितना अंडरस्टैंडिंग है, जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस जानते हैं, उतनी हिसाब सहायता कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र जो भगवान को बुला रहे थे, तो सारे देवता आकाश में बैठे हुए खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे, और जब गजेंद्र भगवान को पुकार रहे थे तो सारे देवता हंसने लग गए, बोले लो जी अब ये मनुष्यों को मिलना दुर्लभ है, अब हाथी लो, हाथी भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है। इधर मनुष्य जीवन में हजारों सालों तक तपस्या करके भगवान नहीं प्राप्त होते, और हाथी यहाँ पर प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त कर लेगा, लो जी। तो सारे देवता गजेंद्र को मजाक करते हैं, गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा था। दिस क्षण देवता उनका मजाक उड़ा रहे, उसी क्षण भगवान ने एंट्री मारी आकाश में गरुड़ जी के ऊपर।
और भगवान जब आए तो भगवान को लग रहा था कि अरे तो गजेंद्र का वध हो जाएगा, और भगवान को लग रहा था गरुड़ बहुत स्लो है, तो भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया, स्वयं चलेगा, उस गजेंद्र को उठा लिया अपने हाथों से, और सारे देवता लोग अचंभित हो गए, साक्षात श्री हरि गजेंद्र को बचाने वाले। तो भगवान बड़े दुखी थे वहां पे कि आप लोग सहायता कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। और जब हम लोग हमारे सब व्यक्तियों को मिलते हैं तो हमेशा मित्रता होनी चाहिए। मित्रता कैसे होती है? मित्रता में सामने वालों से बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है, ऐसे नहीं कि बस भाई तू सुन मेरी बात बस, ऐसा नहीं होता। और जनसामान्य के साथ हमारे हृदय में स्वाभाविक दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं, हम लोग बहुत सुपीरियर है, इन लोग क्या सब जाल में है, बाहर का बिना भू लगाए खाते हैं। इस तरह से अगर दुर्भावना होगी उनके प्रति तो वो जो दोष है वो हमारे अंदर आ जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम लोग किसी के अंदर दोष देखते हैं तो वो दोष को हम लोग ग्रहण करते हैं और उससे वो व्यक्ति तो मुक्त हो जाता है। तो आप उसकी सहायता करें, लेकिन ऐसी सहायता मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। सहायता कीजिए तो अच्छी तरह से कीजिए, लेकिन यदि हम लोग बार 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 संसारिक लोगों के बीच में या भक्तों के अंदर जो अवगुण है उसी को देखते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसको दोष देते रहते हैं, तो वो दोष देते 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 आप उस दोष को ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग उस दोष को ग्रहण करते हैं, और वो जो भक्त है उस पर भगवान की कृपा हो जाती है और उससे मुक्त हो जाता है, और उसका उसका पाप ताप जो भी हो, जो भी जिस पर जिसके से आप लेकर उसकी निंदा कर रहे हैं, वो दोष आपके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। हम कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा भक्ति करें लेकिन प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम खराब है ना। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंपल उपाय है, बस व्यवहार कैसे करना है, चेतना कैसे रखनी है, बस फिर देखिए भजन, फिर कृष्ण भजन जो लाइफ प्रैक्टिस कीजिए, आनंद रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी नारायण जी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को वास्तव में ऐसा बनना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारे जीवन की जो कुंठा है वो समाप्त हो जाएगी। हमारे जीवन में, घर में, हम सब भक्ति में है, सब लोग कर रहे, कुंठा सबके लिए जीवन में है, लेकिन ये ऐसा व्यवहार करने से हमारी कुंठा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा हमारे हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होगी। और जैसे काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मात्सर्य है, तो ये हमारे वास्तव में एनिमीज है, हमारे दुश्मन है, तो इनसे हमारी लड़ाई है। और सबसे जो ईर्ष्या है वो तो सबसे भयानक रोग है, इससे मुक्ति पाने का जो उत्तर नारायण जी ने दिया है। अभी इसका और कृष्ण कॉन्शियसनेस का संबंध कैसा, डायरेक्ट संबंध कैसा है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा चैतन्य चरितामृत में आते हैं। चैतन्य चरितामृत में भागवत की महिमा लिखी गई है। कृष्णा कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोके प्रतिअक्षरे नाना अर्थ कय। तो भागवत कैसा है, भागवत कैसा है, कृष्ण तुल्य भागवत, तो भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवतम श्री कृष्ण जैसा ही है, जैसे श्री कृष्ण महान है, सुप्रीम लॉर्ड है, वैसे ही भागवत भी वही है, भागवत श्री कृष्ण ही है। और जिस तरह से भगवान सबको आश्रय देते हैं, भागवत भी सबको आश्रय देता है। और प्रति श्लोक के प्रति अक्षर, भागवत के हर एक श्लोक में, हर एक श्लोक के हर एक अक्षर में कई सारे अर्थ निकल सकते हैं जिससे कि भक्तों का पोषण हो सकता है। अब देखिए ना, भागवत के ऊपर कितनी सारी टीकाएं संस्कृत में है,
आप जितने सारे प्रमुख संप्रदाय हैं उस हर एक संप्रदाय में हर एक आचार ने उस पर टिकाए लिखी और सब अलग अलग है तो हुआ ना। पर कम से कम भागवत में हमारे नॉलेज में तो कम से कम 15 से 20 कॉमेंट्रीज तो आसानी से मिल जाएंगे पूरी भागवत पर और सब अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो प्रति अक्षर प्रति प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ का है और सभी सही है। और यदि हम लोग के पास समय है अगर समय निकल सकता है तो ये सब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को प्रभुपाद जी के परपट को भी अच्छे से पढ़ लिया जाए ना तभी भी बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारे पास समय नहीं है, लॉकडाउन हो जाए या और बड़ा महालॉकडाउन हो जाए हम लोग के पास समय नहीं है। व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई है, लॉकडाउन में शांत चित्त जीवन होना चाहिए लेकिन लॉकडाउन से तो हमारे व्यस्तता जीवन ज्यादा हो गया है। और ठीक है तो ये जानना चाहिए कि भागवत का आस्वादन भागवत के श्लोकों का आस्वादन करना बहुत आवश्यक है। तो भागवतम कैसा है, श्री कृष्ण जैसा ही है, भगवान से अभिन्न है। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंग ताहते कहेन यथ गोप्य कृष्णेर रंग। भागवत कैसा है, श्री कृष्ण का अंग है, श्रीमद भागवतम इज बॉडी ऑफ कृष्ण। और ताहते कहेन यथ गोप्य कृष्णेर रंग, भागवत में क्या है, भगवान के गुण रूप लीला आदि है और भगवान के बारे में गुड़ से गुड़ रहस्यों को भागवत में रखा गया है। और जिस तरह से भगवान महान है, विभु है, अनंत है, वैसे ही भागवत भी विभु है, अनंत है और अनलिमिटेड है। भगवान भागवत को सिंपल वर्ड से भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप भागवत में समझा लिखा गया है कि विविध प्रकार के अवतारों का वर्णन आता है, राइट। और उसमें वेद व्यास जी लिखते हैं चांद शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो क्या लिखते वेद व्यास जी, क्या कहते हैं कि इस समस्त अवतारों का वर्णन जो भागवत में किया है तो वैसे वेद व्यास जी आकर लिखते इदम भागवतम नाम पुराण भागवत संहितम। वो कहते हैं कि ये जो श्रीमद भागवतम है ये भी कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही है, ग्रंथ अवतार। तो भगवान भागवत के रूप में हम सबके साथ है, भगवान नाम के रूप में है, भगवान भागवत के रूप में है, भक्तों के रूप में भगवान प्रेजेंट है। तो भागवत जो है वो साक्षात भगवान ही है, बुक इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ग्रंथ अवतार। इसलिए भागवत को 3 तरह से सेवा की जाती है, उसके बारे में सुनकर, पढ़कर और उसकी चर्चा करके, सिर्फ लाइब्रेरी में रखकर नहीं, ठीक है। तो रखना भी बहुत बड़ी बात है, इसके घर पे भागवत है, भागवत के दर्शन हो रहे वो भी अपने आप में पर बड़ी बात है, लेकिन भक्तों को पिता तो भागवत और समान है। मेरे व्यास जी लिखे हैं हम सबको भागवत को पीना चाहिए। तो पीने के 3 तरीके हैं, पहले खुद पियो, पहले सुनो, सुनना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए और फिर उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो इस 3 तरीके से हम लोग भागवत की सेवा कर सकते हैं। अब जो भागवत के जो दूसरे वर्ष में भागवत के दूसरे श्लोक में कहा गया है धर्मा प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अभी भागवत धर्म तत्व को कौन व्यक्ति समझ सकता है हमें जानना चाहिए। तो भागवत है ग्रंथ के रूप में भगवान प्रेजेंट है और भागवत में बहुत सारी बातें लिखी गई है लेकिन उसको समझेगा कौन, ये पॉइंट है ना। भागवत धर्म तत्व को कौन समझेगा। अजामिल ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, भोगों में बिता दिया, बेचारा शैया पर पड़ा हुआ था, मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ था। यमदूत आ गए, उसके प्राणों को निकाल के लेकर जा रहे थे, लेकिन विशेष कृपा है भगवान की, तो उसके बेटे का नाम नारायण था तो नारायण पुकार लिया उसने और भगवान के 4 दूत वहां धमक गए आ गए।
तो वहां पर विष्णु दूतों और यम दूतों के बीच में वार्तालाप होता है, चर्चा होती है। कौन सी चर्चा होती है? भागवत धर्म की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है। पहले जो यमदूत विष्णुदूत होते हैं वो पूछते हैं यमदूतों को, आप लोग तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स लगते हो, आईडी कार्ड भी सही है, लेकिन गलत काम भी कर रहे हो। थोड़ा कौन सा गलत काम कर रहे हैं? बोले एक महात्मा को नरक ले जा रहे हो। तो सारे जो यमदूत है वो आसपास देखते हैं महात्मा कहाँ से, किस वजह मेरे को महात्मा बोल रहे हैं? तबियत तो ठीक है मम्मी, अरे इनका फाइल इतना बड़ा है, दुनिया भर के कांड करके बैठा है, इसको महात्मा बोल रहे। तो यमदूत बोलते कि आप लोग सज्जन लोग बनते हो, आप लोग इधर उधर से आते तो बोल सकते थे भाई इसको महात्मा। वो बोलते ना एक एक पीने वाला दूसरे पीने वाले को हमेशा महान ही बोलता है, उसकी तारीफ ही करता है। तो उस अजामी की कैटेगरी लोग होते समझ में आता है कि चलो तारीफ कर रहा तो समझ में भी आता है, लेकिन आप तो सज्जन लगते हो, महान लगते हो, और आपके यहाँ पर प्रकट होने से सारा यहाँ पे समस्त अंधेरा नष्ट हो चुका है, तो आप लोग ऐसे दुरात्मा व्यक्ति को महात्मा भी कह रहे हैं। तब विष्णुदूत पूछते कि धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म क्या है बताओ। तो वे लोग धर्म की व्याख्या कहते हैं जो सही है, साधारण लोगों के लिए जो धर्म की जो व्याख्या है उनके अनुसार एकदम सही बताई। लेकिन विष्णुदूत ने बताया कि ये धर्म की व्याख्या जो आप बता रहे हो ये अजामिल के लिए लागू नहीं होती। कि भाई व्यक्ति ने पाप किया है तो उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको सजा मिलेगी, वो सब कुछ समझा दे, वो सब मान लिए, लेकिन उन्हें अजामिल के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि अजामिल भगवान का भक्त है। इसको मिला भक्त का आसन हो गया, चैंटिंग तो चैंटिंग करते देखा नहीं उसको कभी, मंगल आरती भी नहीं आया, कुछ नहीं किया, भक्त कैसे बन गया? तब उन्होंने विष्णुदूत ने उस समय भागवत धर्म की व्याख्या की। वहां पर तो दो धर्म है, एक तो धर्म है जो साधारण लोगों के लिए है और फिर एक भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से अजामिल मुक्त जीव था। क्यों? क्योंकि 24 घंटा अपने बेटे का नाम जप करता था, वो नाम भले अपने बेटे का था लेकिन नाम किसका था? नारायण का था। तो अजामिल ने इन दोनों तत्वों को सुना और बेचारा सोच रहा था भाई कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसके साथ जाना पड़ेगा। तो फिर विष्णुदूत तो जीत गए और विष्णुदूत यमदूत को भगा दिया और फिर विष्णुदूत भी चले गए। तब अजामिल ने जब विष्णुदूत को विष्णुदूत ने जो प्रवचन किया था, अजामिल ने उनका चिंतन किया, उन समस्त भागवत धर्म के तत्वों को चिंतन किया और अजामिल ने निर्णय किया कि अब मेरा बचा हुआ जीवन जो है वो मुझे क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। इसलिए हरिद्वार में जाकर भगवान की भक्ति करने लगे। 13 साल के बाद वही विष्णुदूत जो उस समय बचाने आए थे वही वैकुंठ का विमान लेकर आ गए और अजामिल को लेके धाम में चले गए। तो यही स्थिति हम लोगों के साथ भी हो सकती है यदि हम भागवत धर्म तत्वों को समझें और उसका जीवन में अनुसरण करें। तो भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म के नाम क्या है, क्या क्या नामों से भागवत धर्म जाना जाता है? भागवत धर्म यानी सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म यानी वो धर्म जो व्यक्ति से कभी, जो जीवात्मा से कभी भी अलग नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में। सनातन मतलब इंटरनल और धर्म मतलब ऑक्यूपेशन। तो वो कार्य जो उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता वो क्या है? वो है उसका जो आइडेंटिटी क्या है, जीवरस रूप में कृष्ण इत्यास। तो भगवान की भक्ति करना ये स्वाभाविक है उसके लिए, तो इसी को सनातन धर्म कहते हैं, इसी को जैव धर्म कहते हैं। इसके नाम अलग अलग है, भागवत धर्म बोलते हैं, इसको जैव धर्म बोलते हैं, इसको सनातन धर्म बोलते हैं। तो वास्तव में सनातन धर्म की व्याख्या क्या है? सनातन धर्म अर्थात भगवान की भक्ति करना, भगवान के गुणों को सुनना, श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदन, ये भागवत धर्म है। फिर
उनकी सेवा करना है, ये भागवत धर्म है। उस भगवान की, भगवान के भक्तों की सेवा करना, बाकी सब जो धर्म है वो क्या है, टेम्पररी धर्म है। और भागवत धर्म क्या है, भगवान के भक्तों की सेवा करना, उनको भगवान को प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाना, उनकी सेवा करना, इसे भागवत धर्म में आता है। भगवान का नाम जप करना, ये सब भागवत धर्म है। तो हम लोगों में जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है भागवत धर्म का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो भागवत धर्म के अंदर कोई मतभेद नहीं है। साधारण धर्म मतलब क्या होता है कि एक किसी किसी कुछ लोगों का एक धारणा होती है, मेरा ये धर्म है। दूसरे लोगों की धारणा होती है मेरा ये धर्म है, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, वो उसका धर्म है, ठीक है। ये इस तरह से भागवत धर्म नहीं है। इस तरह का जो लॉजिक है वो भागवत धर्म में नहीं होता। तेरा धर्म मेरा धर्म, वो उस कल्ट का धर्म, हम लोग उस वो इवन हम लोग भागवत धर्म को फॉलो करते हैं, वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो उसमें भागवत धर्म में हम लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। क्या भगवान की आज्ञा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कौन है, भगवान एक है, पर भगवान सबके हैं। इसलिए भागवत धर्म सनातन धर्म सबके लिए लागू होता है, सबके लिए। और भगवान ने क्या कहा है, जो जो भगवान ने करने को कहा है वो भागवत धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भागवत धर्म में तुम क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, ये सब नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, आचार्यगण क्या लिखते हैं, हमें उसको फॉलो करना है, वो भागवत धर्म है। आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, उसको अनुसार धर्म को तोड़ा जोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, वो भगवान ने द्वारा बताया हुआ मार्ग है, जो हमें परंपरा द्वारा आचार्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये भागवत धर्म है। अपनी चीजें ऐड करोगे और भगवान के सिद्धांतों को रिजेक्ट करोगे तो भागवत धर्म नहीं होगा, वो कॉम्पोटेड धर्म होगा। तो अगर कोई वास्तव में कृष्ण भावना भावित है तो उसके जीवन में कभी क्या क्या नहीं होंगे, दुश्मन होंगे नहीं, क्योंकि उसका धर्म क्या होगा, अन्य सारे लोगों को भगवान से जोड़ना। तो उसका शत्रु कौन है, कोई है, कोई शत्रु नहीं है सत्यों का। तो भागवतम को, भागवत धर्म को कौन समझ सकता है, भागवत धर्म तत्व को कौन समझ सकता है, वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। Only devotees who are not envious at all, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही भागवत धर्म तत्व को समझ सकता है। परमो निर्वत्सराणाम धर्मा प्रोचित कैतवत्र परमो निर्वत्सराणाम। परमो निर्वत्सर, जो निर्वत्सर व्यक्ति है वही भागवत धर्म को समझ सकता है। तो इसी इस पॉइंट के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। प्रभुपाद जी एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जहां पर लोग ईर्ष्यालु नहीं है। उनकी इच्छा थी ये, इट इज नॉट, ऐसा तो बहुत मुश्किल है सबको कृष्ण भावना भावित बनाना, लेकिन हम लोग एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। जितने भी थोड़े से लोग हैं एक आदर्श हम स्थापित कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित रहा जा सकता है। सोसाइटी फ्री फ्रॉम एनवी, एक ऐसा भक्तों का समूह जो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, जो सबके हितकारी हो, ऐसा समूह बनाना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे गीत लिखे हैं और वो गीत उन्होंने अपने लिए नहीं लिखे हैं, वो गीत उन्होंने हम लोगों के लिए लिखे हैं। उसमें बहुत कभी कभी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमारा जीवन सदा काम रत नाही का पुण्य का लेश। तो क्या भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में पाप है, नहीं, हम लोगों के जीवन में पाप है, लेकिन हमारे अंदर भगवान से प्रार्थना करने की बुद्धि भी नहीं है। तो कम से कम भक्तिविनोद ठाकुर ने जो लिखा हुआ है कम से कम उस प्रार्थना को पढ़ देंगे तब भी हम लोग, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो
तो भक्तिविनोद ठाकुर एक कविता है तो उन्होंने जो लिखा है उसका केवल अनुवाद पढ़ूंगा मैं कि मेरी दशा क्या है, मैं तो अपनी दशा बताऊंगा, आप लोग तो सब वैष्णव हो, मैं तो ब्रज सुंदर दास की दशा बताऊंगी मेरी दशा क्या है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीतों में लिखते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने हमेशा सबको कष्ट ही कष्ट दिया है और मैंने अपने कारण से बहुत सारे लोगों को दुविधा में डाला है, हमेशा मेरी वजह से बहुत सारा एंग्जाइटी बनाया है। तो मेरे जीवन में तो बात सही है, एक्चुअली मेरी वजह से बहुत सारे एंग्जाइटी बनाया है और मैं सेल्फिश व्यक्ति हूँ और मेरा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा सुख, मेरा नाम कैसे फैलना चाहिए, मेरा फेम कैसे बढ़ना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़नी चाहिए, यही मैं जीवन में करते आया हूं। और इस चीज के लिए मेरे अपने नेम फेम प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करता हूं मैं किसी भी प्रकार का पाप कार्य करने के पीछे नहीं हटता हूं। बढ़ाना चाहिए भगवान की कीर्ति और यश, लेकिन हम लोग अपने कीर्ति और यश को बढ़ाने में इतने लगे रहते हैं कि उसमें हम किसी भी प्रकार का पाप कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब भी मैं देखता हूं कि मेरे से कोई ऊपर है, मुझसे कोई एडवांस है, तो मेरे अंदर मुझे इतनी पीड़ा होती है, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष मेरे अंदर भर जाता है कि ये मेरे से आगे कैसे गई, ये मेरे ऊपर चला कैसे गया। और हम सदा झूठ बोलते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि सदा मिथ्या, हम लोग सदा झूठ बोलते हैं। और पर दुख सुख सुख कर, दूसरों के दुख को देखकर अंदर में सुख होता है, ये मेरी दशा है। आप लोग तो वैष्णव है बाबा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि दूसरों को देखकर, दूसरों के दुख को देखकर बाहरी रूप से तो बहुत असंतोष व्यक्त करते हैं, लेकिन अंदर से दिवाली होती है कि आखिरकार मेरे, मुझे जो डांटा था, फटकारा था, आखिरकार तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गया ना, बोला था अपराध मत कर, तूने अपराध कर दिया, अब भुगत, तूने बहुत बड़े वैष्णव का अपराध कर दिया, अब भुगत, धारणा हो जाती है। फिर बहुत सारी कामनाएं मेरे हृदय के अंदर है, बहुत सारे संसार, और उसके कारण से, ये कामनाओं के कारण से छोटी से छोटी अगर मेरी कामना अगर संतुष्ट नहीं होती है तो मैं गुस्सा आ जाता है। अब तो जानते हैं मुझे कितना गुस्सा आता है। तो प्रेम सिंधु को तो पता है कि मेरी ही बात चल रही है और मेरे अंदर इतना अहंकार है कि बस मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, तो मैं अपने आप को ही सब कुछ मानता हूं, बाकी तुम लोग सब क्या है भाई, सब भक्ति का नाटक कर रहे हो, मैं मेरे को पहचानो, ये भावना होती है। फिर होता क्या है कि मेरे अंदर भावना आती कि मैं एक महान व्यक्ति हूं, मैन थिंक्स आई एम ग्रेट, फिर दूसरा व्यक्ति सोचता रहे ये क्या ग्रेट है, मैं ग्रेट हूं, इसकी क्या ग्रेटनेस है, इसकी क्या औकात है, मेरी औकात है, मैं। फिर उससे युद्ध चालू, दोनों के झगड़ा चालू रहता है। झगड़ा क्यों होता है, एक व्यक्ति बोलता है मैं बड़ा हूं, सुना नहीं कट मैं बड़ा हूं, फिर दो ऐसे ही दो व्यक्ति लड़ते हैं, दो ग्रुप्स लड़ते हैं, दो राज्य लड़ते हैं, दो राष्ट्र लड़ते हैं, दो इस तरह से ये तो चलता रहता है। किस वजह से, दंभ की वजह से। और हमेशा मेरे अंदर अहंकार रहता, बहुत अहंकार रहता है, और मैं हमेशा भौतिक सुख की कामना करता हूं कि हर इस प्रकार का सुख मुझे प्राप्त हो, भक्ति की आड़ में सुख चाहिए होता है। और
ये जो ईर्ष्या है, ये जो द्वेष है, ये सब मेरे आभूषण है और मैं इतना आलसी व्यक्ति हूं कि हमेशा सोता रहता हूं और मैंने कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। आउट ऑफ बॉक्स सोचते नहीं है लोग, मतलब भगवान के लिए कुछ करना है, प्रचार करना है, मैं सोचते नहीं हूं। हमेशा मेरी अपनी दशा क्या है कि बस मैं एकदम आलसी व्यक्ति, हमेशा सोता रहता हूं, कभी किसी की हेल्प नहीं करता हूं, कभी अपने काम के लिए बहुत एंथुजियास्टिक, जहां पर मेरा नाम फाम नेम फेम प्रतिष्ठा होने वाले तत्वों में बहुत आगे हूं, जहां पर भगवान की कीर्ति या शरण आ रही है, सब सेवा अपने को नहीं करना है, जिसको करना है करो, मेरी कोई इच्छा नहीं। और इतना सारा कपट मेरे अंदर भरा हुआ है, इतना सारा कपट है और इतना सारा कामुकता मेरे अंदर है कि इसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। हे दुर्जन, मैं इतना बड़ा कपटी हूं कि सज्जन लोग मेरी से संग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यस मदर जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर टुडे प्रभुजी, बिकॉज इट वाज समथिंग आई हैड अ क्वेश्चन इन अ माइंड एंड यू आंसर्ड इट, समटाइम्स वी सिट एंड योर आंसर्स गेट क्वेश्चन, सो आई हैव वन क्वेश्चन प्रभुजी, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ प्रैक्टिकल लाइफ लाइक we also are having teachers, we are, I'm into vacuums. If we na bolenge to humko thoda samajh mein takleef hoti hai. Sorry. So, Prabhuji, jab hum log MNC mein baithte hain, तो अपने अपनी कंपनीज पे बैठते हैं तो हमें मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं वहाँ पर, और जब वहाँ पर हमारे सुपीरियर्स आते हैं, जस्ट लाइक आपने जो जेलेसी का मेरे लेक्चर दिया, वो एक ऐसे इंसान है जिसको हम लुक अप टू करते हैं, ही इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअली डेडिकेटेड मैन, बट ही केम इन और उन्होंने आके पहला शब्द ये बोला कि जेलेसी इज अ सुपर पावर, क्योंकि अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं है आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, योर जेलेसी इज योर सुपर पावर, सो इट इज ऑन टू यू हाउ यू टेक योर जेलेसी। तो जब भी मैंने आपको आज सुना द सेम थिंग दैट आई एम अ वेरी कंफ्यूज पर्सन राइट नाउ बिकॉज आई एम लुकिंग अप टू यू आल्सो, मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यस सर, सो जो आप भौतिक जगत में उसका उल्टा है जी, वही मैं थोड़ा सा वो हमारे ना एक दिमाग में वो बन जाता है, बिकॉज हम जब वहाँ बैठते हैं तो वो लोग हमें ये कोट करते हैं, जैसे ही कोटेड हिज ग्रेस श्री राधानाथ महाराज जी आल्सो इन वन ऑफ हिज लेक्चर व्हेन ही वाज गिविंग अस, एंड ही सेड दैट राधानाथ महाराज जी सेज दैट कॉम्पिटिशन इज अ हेल्दी थिंग व्हेन यू टेक इट, बट कॉम्पिटिशन अगर आप किसी से कर रहे हो, आप मेरे से कोई अच्छा जा रहा है तो वो एक मेरे दिल में आ गया दैट आई हैव टू कम्पीट दिस पर्सन, तो प्रभु जी वो जेलसी रहता ना, उसको मैं कैसे उसको क्या बोल रहा हूँ। आपने परम मुझे राधानाथ महाराज से बात सुनाया, उनके शिष्य से इनका जवाब जी ने कहा कि जेलेसी सुपर पावर है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसको फॉलो मत कीजिए। किसने कह दिया जेलेसी, जब हमारे शास्त्र में लिख दिया है काम क्रोध लोभ मोह मत वात्सल्य, तो शास्त्र का आधार सही होगा या किसी व्यक्ति की अवधारणा सही होगी। हाँ, तो जब राधानाथ महाराज कहते हैं कंपटीशन हेल्दी है, उसका क्या मतलब है कि मैं जाप कर रहा हूँ, मैं आपका जब सुनकर मुझे और प्रोत्साहन मिले, मैं उससे अति श्रेष्ठ करने का प्रयास करूं, तब तक तो ठीक है। आपने अभी बुक मैराथन चल रहा है, गीता मैराथन चल रहा है, आपने 10 किताबें वितरित की, मैं भी कोशिश करके 10 से ज़्यादा करने का प्रयास करूंगा। ये एक दूसरे को ये हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन जब मन में ये ईर्ष्या आनी शुरू हो जाए, क्रोध आना शुरू हो जाए, देन इट इज़ नॉट हेल्दी, फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने वाली बात होती है। तो ऐसे लोगों का संग करो जो हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, हमारे मन की भावनाएं कैसी होनी चाहिए। तो भावनाओं और आकांक्षाएं और अपेक्षाएं
जो है ये उत्कृष्ट हो, उसके लिए ऐसे लोगों का संग करने की आवश्यकता है। अन्यथा मार्गदर्शन नहीं होगा तो फिर ऐसे लोग जो है हावी हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, हर रविवार को आके यहाँ टीका लगाया करो, नहीं तो पथ भ्रष्ट हो जाए, है ना। अभी ओमिक्रॉन भी आ रहा है ना, उसी तरह स्पिरिचुअल टीके को हर हफ्ते आकर लगाना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे लोग बहुत परेशान करते हैं। प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न है आपसे, तो प्रश्न ये है कि आज सुबह हमारी चर्चा हो रही थी, एक समुदाय विशेष है जिन्होंने अपने गुरुओं के जाने के बाद में आने वाली गुरु शिष्य परंपरा को नकार दिया पूरी तरह से, और उन्होंने कहा कि आज के बाद केवल ग्रंथ को गुरु मानना है लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को नकार देना है। तो कौन सा ग्रंथ है जो सुनने लायक, गाने लायक, ग्रहण करने लायक है, और इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है? आप श्रीमद् भागवतम की इतनी विज्ञापन कर रहे हो, लेकिन हर समुदाय विशेष जो है कहता है कि हमारा ग्रंथ सबसे उत्कृष्ट है, और वो गुरु शिष्य परंपरा को भी मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें ऐसी भावना, ऐसी अवधारणा में क्या विकार है, उसके बारे में जरा हमें बताइए। सर्वप्रथम तो भगवत विषय जो दिव्य ज्ञान होता है, ये तो भगवान के द्वारा आता है और उनके जो परंपरा के माध्यम से आता है, और उसको जो ग्रहण भी करना होता है, साधारण सी बात है कि हमारे घर के अगर बच्चों को अगर एडमिशन कराना है तो हम लोग देखेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी जो है वो UGC अप्रूव्ड है कि नहीं, है ना, बोनाफाइड है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग उसका एडमिशन नहीं कराएंगे, राइट। तो वैसे ही होता है कि जब हम लोग कोई भी भगवत विषय दिव्य ज्ञान जो होता है वो अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें प्रामाणिक जगहों पर जाना चाहिए। तो चार परंपरा है, चार संप्रदाय है, और उनके माध्यम से ही, और ये आश्चर्य की बात है कि चारों संप्रदाय एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये सबसे आश्चर्य की बात है, लेकिन चारों बात एक ही करते हैं, है कि नहीं। ऐसा हो सकता था कि भाई चारों लोग सब मैच फिक्सिंग है, भाई सब इधर उधर सब फैला फैला के करते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। दूर दूर तक कोई रहता नहीं है, सबके आचार्य अगर अलग है, सब लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन जो बात करते हैं, जो सिद्धांत स्थापित करते हैं, वो एज इट इज एक ही बात करता है। इससे पता चल जाता है कि प्रामाणिक चीज है। और जब हम ग्रंथ को गुरु बनाने की बात करते हैं या मूर्ति को गुरु बनाने की बात करते हैं, वो भी एक बात है, तो वो दोनों संभव नहीं है। तो कैसा होता है कि गुरु शिष्य ये जो संबंध है, जैसे शिष्य गुरु को स्वीकार करता है कि मेरे गुरु है, तो गुरु को भी शिष्य को स्वीकार करना पड़ता है, तब जाके गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। और तब गुरु जब दिव्य ज्ञान, दीक्षा का अर्थ क्या है हमें समझना चाहिए, पहले भी जब मैं आज इस पर चर्चा कर चुका था, तो भगवान विषय जो दिव्य ज्ञान है जो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को देता है, वो दीक्षा है वास्तव में, तो और दीक्षा कुछ नहीं है, बाकी सब सोशलाइजेशन है, लेकिन वास्तविक दीक्षा है कि भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान जो शिष्य को मिलता है। और दूसरी बात कि अगर ग्रंथ से अगर मार्गदर्शन लिया जाए या फिर एक मूर्ति से मार्गदर्शन लिया जाए, तो अगर तुम्हारे अंदर डाउट आ जाएगा तो किसके पास जाओगे? चलो मान लीजिए ग्रंथ गुरु है, नमन है, लेकिन तुम्हारे अंदर डाउट है और ग्रंथ
वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना देखना चाहिए कि प्रामाणिक है कि नहीं है, ये भी जानना चाहिए। सिर्फ ग्रंथ की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ उस ग्रंथ को पढ़ना होता है, देखना होता है कि कितना प्रामाणिक है वो, उस ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई है क्या वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, और शास्त्र सम्मत बातें लिखी गई है मान लो है इसमें तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या उस ग्रंथ में जो बातें लिखी गई है तो चलो ग्रंथ शास्त्र सम्मत है तो क्या उसमें क्या उसके उसको फॉलो कर रहे हैं पंत लोग जो उसको सही तरह से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनकी बातों को क्यों स्वीकार करें। जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो गुरुजनों ने बोला गया है और जो आचरण में दिखता है उन लोगों को स्वीकार करो, है ना। तो एक लड़का एक लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, लड़की एक लड़के को पति के रूप में स्वीकार करती है, विवाह तो वही हो जाता है ना। तो स्वीकार होना दोनों को होना, ऐसा नहीं एक फोटो में है और एक फिर लड़की ने एक फोटो को स्वीकार किया है ये लड़का ये मेरा पति बनेगा, ऐसा तो नहीं होता। वो लड़का बोला नहीं मेरे ये तो लड़की है ये मेरी पत्नी बनेगी, ऐसा तो व्यवहार ही होता है। विवाह दोनों का अनुमति चाहिए। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो क्या करें भगवत विषय दिव्य ज्ञान भगवान के गुण रूप लीला आदि के बारे में बता सके, हमारे अंदर के संदेह को मिटा सके। हमारे अंदर अगर संदेह है डाउट्स है तो डाउट्स को लेकर हम लोग भगवान की भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। डाउट्स है तो सरेंडर कैसे आएगा, पूर्णता शरणागति कैसे आएगी जब हृदय में डाउट है। तो भागवत वो भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भागवत को सुनना, जो बता रहे भागवत की चर्चा करते उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उनसे सारे डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए। उससे क्या होगा, डाउट्स क्लियर हो जाने से भगवान में अटूट श्रद्धा हो जाएगी और भगवान के प्रति समर्पण आ पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। जी मुझे अरे वो मुझे थोड़ा जोर आगे आ जाओ ना, मुझे जोर से हम कैसे अपने आप को असेस करें कि भगवान की सर्विस करने में हमें प्राइड आ गया है और रियली वी आर ह्यूमन। थोड़ा उन्होंने बताया था हमारे लिए पर मैं थोड़ा गुरु जी बता रहे तो शिष्य सुनना अच्छा। कैसे पता चलेगा कि गुरु सेवा करने में हमारे मन में कहीं अहंकार आ गया कि नहीं आया, इसका प्रभाव क्या है? जब आप दो गिलास पानी पीते हो क्या आपको बगल वाले व्यक्ति को पूछना पड़ता है क्या कि प्रभु जी मैं दो गिलास पानी पी चुका हूँ क्या मुझे एक और गिलास पानी की आवश्यकता है क्या? स्वयं को पता चल जाता है कि आवश्यकता है कि नहीं है। जब नाम में रुचि जीव दया वैष्णव सेवा ये जीवन में बढ़ना शुरू होती है अपने आप पता चलना चाहिए कि जीवन में भक्ति में विकास हो रहा है। लेकिन जब नाम के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है, भक्तों का संग करने में घृणा होने लगती है, जब कोई सेवा मिलती है तो नानी मर जाती है, सब समझना चाहिए हाँ कुछ परेशानी है, कहीं पर अपराध हो गया है, कहीं पर अहंकार ने ग्रस्त कर दिया मुझे, स्वयं पता चले। और जब नहीं समझ आती है इसीलिए तो कहते हैं शिक्षा गुरु के पास जाओ, दीक्षा गुरु के पास जाओ, आपको मार्गदर्शन देंगे, है ना, वो आपको शायद दीजिए। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे कह रहे हैं रघुनाथ प्रभु, यह तो एकदम सत्य है कि अगर अहंकार आ जाएगा
तो भक्ति में रुचि कम हो जाएगी। तो प्रभुपाद को भी प्रश्न पूछा जाता था कि भक्ति का बैरोमीटर क्या है, मतलब भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, प्रमाण क्या है, जैसे थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर दिखता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण इसका एक ही है कि भौतिक इच्छाएं कम होती हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, यही इसका प्रमाण है। तो बद्ध जीवात्मा जो होता है, सुबह भी जैसे चर्चा कर रहे थे, उसकी रुचि आध्यात्मिक कार्य में नहीं रहती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से भौतिक कार्य में लगा हुआ है। तो स्वाभाविक रुचि उसकी भौतिक कार्यों में ही होती है और आध्यात्मिक कार्य करने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं। तो जब ऐसा लगने लगे कि आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ रही है, अभी इसमें आनंद आ रहा है, तो समझना चाहिए कि सही रास्ते पर है। और अगर ऐसा लगे कि अरे भक्ति करने में बहुत कठिनाई हो रही है, इसमें तो कोई रुचि नहीं आ रही है, ठीक है जबरदस्ती आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि भक्ति जो है वो एक मैकेनिकल तरीके से हो रही है। तो प्रभुपाद को एक और चीज़ पूछी जाती थी कि कैसे पता चलेगा कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वही प्रश्न। तो प्रभु ने जैसे उत्तर दिया, पानी का प्रभाव। तो जी प्रभुपाद भी कहते थे कि ऐसे आप भोजन कर रहे हैं, पेट भर जाता है तो आप समझ जाते हैं कि पेट भर गया है। तो ये समझने की बात है कि स्वयं ही समझ जाते हैं कि पेट भर गया है। और एक और इसका लक्षण है कि जितने भी भक्त हैं, भक्तों का समाज है, वो आपसे अधिक से अधिक ज़्यादा उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा। अगर आप ईर्ष्या से मुक्त हो गए या अवगुणों से मुक्त हो गए, तो भक्तों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमें हमारे आचरण में और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। एक और प्रत्यक्ष लक्षण बताता हूँ, चेहरे पे फिटे मुंह आ जाए, जो चेहरे पे वो नूर होता है ना वो चला जाएगा, व्यक्ति को देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब चेहरा देखकर लाटू जले ना, तब समझ आ जाना चाहिए कि वो भक्ति में एंजॉय कर रहा है। एक्चुअली ऐसा सेशन कभी लेना चाहिए, 3-4 लोगों को बिठाकर और प्रश्न पूछना चाहिए। एक सेशन एक संडे ऐसे ही करेंगे, नो कथा। जी गुरु जी पूछिए। सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल है कि 7 ईयर से जा रहे हैं, जैसे गाड़ी में जा रहे हैं और किसी आप स्टॉप पर खड़े हो, एक 7 साल का बच्चा आता है लाइक ए बैगर, वो आपसे बैगिंग कर रहा है। ये भी क्वेश्चन महाराज जी से पूछा गया था, वैसे पूछ रहा हूँ कि महाराज जी बोलते हैं और कई चीज़ें क्लियर मुझे आपसे ही करनी पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, उस समय 2 चीज़ें हैं आपकी गाड़ी में, ऐसे भी हैं और प्रसाद भी पड़ा हुआ है, आप हेल्प भी करना चाहते हो 7 साल के छोटे बच्चे की जो बैगिंग कर रहा है। तो फिर ये 2-5 बड़े इंपॉर्टेंट उस समय आते हैं कि यू शुड गिव द मनी टू दिस चाइल्ड, हेल्प करें या फिर प्रसाद दे रहे जो पड़ा। महाराज क्या बोल रहे हैं, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई। काफी लंबा मुझे थोड़ा क्लियर। महाराज ने कभी ऐसा मार्गदर्शन नहीं कहा, महाराज ने हमेशा कहा गाड़ी में प्रसाद जरूर रखना चाहिए और अगर आपके पास प्रसाद नहीं है तो पैसे दो उसको, और फिर पूछा कि अगर पैसे देंगे वो जुआ खेलेगा फिर पाप लगेगा। महाराज ने कहा अवश्य पाप लगेगा, फिर पैसे क्यों दें? बोला अगर नहीं दोगे तो निष्ठुर बन जाओगे, तुम्हारा हृदय कठोर हो जाएगा, किसी ने हाथ ऐसा किया उसमें कुछ तो डालना पड़ेगा। और ये आपको सिखाएगा कि कभी भी गाड़ी में प्रसाद रखा करो, और अगर नहीं रखोगे पैसे दोगे उसका पाप पड़ेगा सहो, लेकिन आप उस व्यक्ति को कुछ तो देना पड़ेगा जी। वास्तव में धर्म है,
अगर किसी ने आपके सामने कुछ मांगा है देना ही देना है। जब देवता विशेषकर इंद्र वृत्रासुर से आहत हो गए थे और भगवान के पास गए थे तो भगवान ने उन्हें सलाह दिया कि जाइए दधीचि ऋषि के पास चले जाइए। तो इंद्र ने कहा दधीचि ऋषि के पास? अरे दधीचि के तो मैंने सर काटा था। वो एक ऐसा प्रसंग हो गया था कि अश्विनी कुमार दधीचि ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ब्रह्म विद्या सीखनी है। ब्रह्म विद्या अर्थात नारायण का वंश सीखना था उन्हें। तो दधीचि ऋषि के कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं, आप चले जाओ, बाद में आ जाइए। इंद्र आते हैं वहां पे। इंद्र कहते हैं खबरदार तुमने उन लोगों को कुछ दिया तो क्योंकि मेरे से सुपीरियर हो जाएंगे, मुझसे ज्यादा जानेंगे, तो अगर तुमने दिया तो हम सर काट देंगे आपका। तब इंद्र इतना कहकर चले जाते हैं तो अश्विन कुमार आते हैं दोबारा। आप तो हमें ट्रांसजेंडर नॉलेज देने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने इंद्र ने कहा तो दधीचि ने कहा कि इंद्र ऐसा आए थे और मेरा सर काटने वाले हैं। तो अश्विन कुमार ने कहा कि ठीक है हम पहले ही काट लेते हैं और आप एक अश्व का शर लगा के आप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आपको दे दीजिए, दिव्य ज्ञान दे दीजिए, उसके बाद इंद्र आएगा सर काटेगा, वहां बोरे में फिट कर देंगे, तो यही हो गया। तब जब भगवान ने इंद्र से कहा कि आपको दोबारा पुनः दधीचि ऋषि के पास जाना पड़ेगा तो इंद्र जी एकदम फिरे पड़ गए। दधीचि ऋषि कैसे देंगे क्योंकि इंद्र पर बहुत बड़ा संकट आया था, वृत्रासुर इंद्र को मारने वाला था। ऐसी स्थिति में भी जब अपना शत्रु में आ रहा हो, अभी दधीचि ऋषि के लिए इंद्र शत्रु नहीं था लेकिन इंद्र ये सोच रहा था कि मैं अपने शत्रु के पास जा रहा हूँ, लेकिन दधीचि ऋषि के साधुता को देखिए कि उन्होंने अपना शरीर तक दे दिया। हमारे पूर्व इतिहास है कि अगर मांगा जाए, मांग हाथ अगर खड़ा कर दिया जाए मांगने के लिए, अगर हम देने की क्षमता रखते हैं तो देना चाहिए। अगर देने की क्षमता है तब भी नहीं दे रहे हैं तो जीव दया में। और आपके घर में कोई धोबी आए, जमादार आए, माली आए, किसी को खाली हाथ ना भेजो। आपके घर में 10 डोने हमेशा तैयार होने चाहिए, पता होना चाहिए पूरे इलाके में कि इनके घर में जाते हैं प्रसाद लेके ही वापस आते हैं। आपके घर में कितने डोने तैयार होने चाहिए? 24 घंटे तैयार होने चाहिए। आपके घरों में तो ऐसा होना चाहिए अगर धोबी की पोटली पड़ी है ना और वो बाहर से ले गया है, अगर प्रसाद नहीं पड़ा तो घंटी मारेगा कि कहाँ है मेरा प्रसाद। एक वैष्णव के घर के आसपास कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, ये हमारी वैष्णवता है, ये हमें श्रील प्रभुपाद ने सदाचार सिखाया। और गृहस्थों के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें करके हम भक्ति में विकास कर सकते हैं। सिखाओ सबको, सब करो अपने अपने घरों में। हमेशा डोने तैयार होने चाहिए। कोई भी घर में आए, कोई मेहमान आए, कोई इलेक्ट्रिशियन आए, कोई बिजली वाला, सिर्फ एक छोटा काम, उसको डोना दिए बिना मत भेजो, ये आपकी वैष्णवता है। और ये नहीं सीखा तो यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक्चुअली भागवत में सब कुछ है। अगर हम ध्यान से भागवत पढ़ेंगे, ध्यान से भागवत सुनेंगे तो वो ध्यान से सुनेंगे तो भगवान याद दिलाएंगे कि सब समय भगवान हृदय परमात्मा रूप से है और वही आपके साथ हमेशा 24 घंटा रहता है। तो यदि आपने ध्यान से भागवत को श्रवण किया है, अध्ययन किया है, तब जब धर्म पालन करने के बाद आएगी तब भगवान प्रेरणा देंगे आपको हृदय से। तो वो सिग्नल पकड़ने का भगवान का वो थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए तो गंभीर भक्त होने चाहिए। लेकिन ये जो किसी ने मांगा है तो उसको देना है, और आपके घर में कोई आया है तो सबसे शुभ अवसर है कि उसको आप प्रसाद दीजिए। कोई भी अपने घर से खाली हाथ, किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, एक्चुअली बहुत सारी बहुत सारी व्याख्या की जा सकती है ये सब चीजों के लिए। लेकिन जो भी सुनता है, श्रवण करता है, उसको पालन करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि गाड़ी में बैठ रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी होती है जी, कोई मांगने वाला आया देव उसको गाड़ी में रखो, अगर कोई जान आता है डेली गोल मांगता है, वहाँ हमारी क्या पोजीशन है? जो रात को प्रसाद बांट सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, रोज प्रसाद खिलाएंगे।
क्या समस्या है? साथ देने में क्या समस्या? सिद्धांत यही है कि अगर हम देने की क्षमता रखते हैं तो देना चाहिए, अगर नहीं रखते हैं तो हाथ जोड़ दीजिए, लेकिन देने की क्षमता जब रखते हैं तो देना चाहिए। जब हम बात करें दधीचि ऋषि ने अपना शरीर दे दिया और उससे क्या बना? हड्डी बनी। उससे इंद्र ने क्या किया? उस हड्डी से एक युद्ध में, विचार कीजिए, एक दधीचि जैसा साधु का शरीर एक युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देखिए धर्म की बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर मांगा जा रहा है, दधीचि ऋषि ने दे दिया। भगवान का प्रसाद किसी के जीवन पर जाएगा तो उसका उद्धार तो होगा ही ना। एक रोज देना है, रोज देना है तो जी हम लोग प्रसाद क्यों बांटते हैं? तो शुरुआत हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोग प्रसाद खा खा कर भग बने हैं। आपको कैसे फंसाया इधर? आप समझे नहीं हमारी स्कीम क्या है? अभी तक नहीं पता। थोड़ा विस्तार कीजिए। प्रभु जी मैं तो शुरू में पक्की बात है फंसा इसलिए हूँ कि आता था एक दोनों में चार टर्म किसी को प्रसाद रोज देने में तो हानि नहीं है, वो व्यक्ति रोज मिले तो रोज प्रसाद दो। ठीक है, और कोई सहायक, अगर मान लीजिए कोई आपसे मांग रहा है और बेचारा वास्तव में मुसीबत में है तो हम तो जानते नहीं है, लेकिन कोई आपसे मांग रहा है तो गजेंद्र वाली बात हो ही गई ना। गजेंद्र संकट में था, एक क्या बोलते मगर उसको खा रहा था, बेचारा संकट में था, देवता लोग सब देख रहे थे, वो चाहे तो मदद कर सकते थे फिर उन्होंने नहीं किया। फिर भगवान ने आगे रक्षा की, लेकिन सिद्धांत ये है कि मदद करनी चाहिए। तो बेचारा संकट में भी मांग रहे हैं तुमसे, और क्यों मांगेगा अभी? इसीलिए तो हम कहते हैं यहाँ पर आते हो अपनी स्वेच्छा से, लेकिन जाओगे हमारी स्वेच्छा से। हरे कृष्ण, वन वे ट्रैफिक है।